बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी जिसमें 16 साल की एक बिजनेसमैन की लड़की अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाती है और वहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड की गंदी हकीकत को देख के और अपने फादर की सच्चाई जान के वो हैरान हो जाती हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की एक लड़की ली अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पे आई हैं। ली के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। वो अपने फादर से पूछती हैं कि क्या कर रहे हो डैड, तो डैड बताते हैं कि वो आज उस डील को पाने के लिए सेल्स पिच की तैयारी कर रहे हैं। ली कहती हैं कि क्या मैं भी चलूं आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग में, मैं वहाँ पे काफी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहूंगी। उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम यहीं पे रहो। तो ली कहती हैं कि नहीं, मैं तो किसी ड्रग डीलर के साथ में भाग जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ली के फादर कहते हैं कि ऐसा मजाक मत करो। ली के फादर कहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं? तो ली कहती हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो उठकर अपने डैड की शर्ट को थोड़ा ठीक करती हैं और कहती हैं कि अब सही लग रहे हो। डैड पूछता है कि क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? तो ली कहती है कि नहीं, आपको टाई पहनने की जरूरत नहीं है। ली के फादर ली को हग करके अपनी डील को फाइनलाइज करने के लिए निकलते हैं, तो ली उनको गुड लक कहती है। डैड के जाने के बाद में ली के पास कुछ करने को नहीं होता है, तो वो अपने फादर के कपड़े ठीक करने लग जाती हैं। ली थोड़ा रेस्ट करने के बाद में शॉवर लेती हैं और कंफर्टेबल क्लोथ्स में होटल में फ्रीली रोम करने जाती है। वैसे उसके डैड ने रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन ली को वाटर बॉटल्स खरीदनी थी, इसलिए वो रूम से बाहर आई और अब वो लिफ्ट से ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक हैंडसम मिडल एज मैन आता है, जो लिफ्ट का अपने फ्लोर का बटन दबाता है और अनइंटेंशनली ली को टच कर देता है। ली मस्ती में अपनी बबल गम चबा रही थी, पर वो आदमी अपनी फोन से नजरें हटा के ली के चार्मिंग लुक की तरफ देख रहा था। ली टिपिकल टीनेजर की तरह बबल गम से प्ले कर रही थी, लेकिन इस आदमी की नजर ली के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो बार बार ली को देख रहा था। अब इस आदमी का फ्लोर आ जाता है, तो वो लिफ्ट के बाहर चला जाता है। जैसे ही आदमी लिफ्ट के बाहर जाता है, वापस से ली को देखने लगता है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ली वापस से अपने रूम में आ जाती है, तो वो देखती है कि उसके डैड वापस आ चुके हैं। उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तो ली बताती है कि वो वाटर बॉटल्स लेने के लिए गई थी। तो उसके डैड कहते हैं कि कम से कम मुझे बताना चाहिए था, मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तुम कहीं भी जाओगी तो मुझे बता के जाओगी, ये अपने बीच में एग्रीमेंट है। और वो थोड़े गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। ली चुपचाप आई एम सॉरी बोल देती है। ली के फादर का गुस्सा शांत होता है, तो वो ली को अपने पास बुलाते हैं और उसको हग करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, इसलिए ये सब मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ली भी इस बात को समझती है। ली के फादर बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, हम दोनों को तैयार होके कॉर्पोरेट डिनर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि तुम चेंज कर लो। ली अपने फादर से अपना वाइट कॉर्पोरेट शर्ट मांगती हैं और अपनी टी को निकाल के डिनर के लिए वो वाइट शर्ट पहन लेती हैं, ताकि वो भी कॉर्पोरेट लोगों के साथ में घुल मिल सके। ली अपने डैड को पूछती हैं कि आपकी मीटिंग कैसी रही और आपको क्या लगता है, क्या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा क्या? लेकिन उसके डैड उसकी इस बात का जवाब नहीं देते हुए ली के कॉर्पोरेट ड्रेस की काफी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम सच में ही बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी बेटी जो हो। वो ली को कहते हैं कि चलो डिनर टेबल पे नीचे चलते हैं और उन लोगों से अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। ली कहती है कि हाँ डैड। ली के डैड ली को डिनर पार्टी में ले जाते हैं। ली देखती है कि उसके फादर एक आदमी क्रिस्टीन से हाथ मिला रहे होते हैं और वो ली को क्रिस्टीन से इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी डॉटर है, और ली को कहते हैं कि ये क्रिस्टीन है, ये हमारा परचेजिंग मैनेजर है। ली ऑलरेडी इस आदमी से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ली के फादर क्रिस्टीन को कहते हैं कि एक मिनट है क्या तुम्हारे पास, मुझे
मुझे तुमसे बात करनी है। ली के फादर ली को किस करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, तो ली कहती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आना। डैड के जाने के बाद में ली डिनर पार्टी में दूसरे लोगों से हेलो हाय करती हैं, तो वो देखती हैं कि उसके फादर एक कोने में जाके परचेजिंग मैनेजर क्रिस्टीन से बात कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये सब ली को बड़ा अजीब लगता है, तो वो अपने फादर के पास आती है, क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन के बाद में ली के फादर काफी सैड हो गए थे। तो ली अपने डैड के पास आकर पूछती हैं कि क्या हुआ डैड, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ क्या? तो वो कहते हैं कि तुम क्या हेल्प कर सकती हो। ली के डैड सार्केस्टिकली कहते हैं कि क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो क्या, अगर दिला सकती हो तो दिला दो, और वो वहां से चले जाते हैं। सबके सामने डांटने की वजह से ली अब रोने लग जाती है और रोते रोते होटल के टेरेस पे पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि वही परचेजिंग मैनेजर क्रिस्टीन बैठा है। तो क्रिस्टीन कहता है कि हेलो, क्या तुम्हें ओस्लो सिटी पसंद आई क्या? तो ली अपने आंसू पोंछते हुए कहती है नहीं, ज्यादा कुछ खास तो पसंद नहीं आई। तो क्रिस्टीन पूछता है कि कोपेनहेगन से तो बेटर ही है ना? तो ली कहती है कि कोपेनहेगन भी मैं तो कभी गई नहीं, और वो थोड़ा मुस्कुरा देती है। तो क्रिस्टीन उठकर सिगरेट पीता हुआ ली के पास में आता है और अपने गले से मफलर निकाल के ली के गले में लपेट देता है, और वो कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है। ली भी इस बात पे कुछ नहीं कहती है। क्रिस्टीन ली को पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो ली कहती है कि डैड की ट्रैवलिंग की वजह से हम हर जगह रहते हैं, लेकिन हम शुरुआत में स्विट्जरलैंड में रहते थे, फिर हम डैड की जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रहे हैं, ज्यादातर टाइम मैंने न्यूजीलैंड में काटा है जहाँ से मेरे डैड बिलोंग करते हैं। क्रिस्टीन कहता है कि हमेशा ट्रेवल करती हो, लोनली फील नहीं होता है क्या तुम? ली थोड़ा सोच के कहती है कि नहीं, वो कहती है कि ट्रेवलिंग की वजह से अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, इसलिए लोनली तो फील नहीं होता। क्रिस्टीन को ली का ये जवाब काफी पसंद आया। क्रिस्टीन ही वो आदमी था जो ली के फादर को ये डील दे सकता था, क्योंकि वो ही दूसरी कंपनी के साइट से परचेजिंग मैनेजर था जो उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। ली अपने गले से क्रिस्टीन का मफलर हटाती है और उसको देते हुए कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, मेरे फादर मुझे ढूंढ रहे होंगे, और ली वहां से चली जाती है। अब देखते हैं कि यहां पे कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही होती है, जिसमें ली के फादर परचेजिंग मैनेजर क्रिस्टीन से कहते हैं कि डील उसको दे दो, वो एक बेहतर क्वालिटी की कारपेट कम प्राइस में देने को तैयार है। लेकिन क्रिस्टीन ये कहता है कि तुम्हें प्राइस थोड़ा लो करना पड़ेगा, तभी जाके मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ। ली के फादर के एक्सप्लेनेशन में क्रिस्टीन का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं होता है और वो बार बार ली की तरफ ही दिखता है। ली मीटिंग में बैठी बैठी अपने हैंड बैंड से खेल रही होती है, लेकिन वो इस मीटिंग में बैठी बैठी काफी नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसके पास में क्रिस्टीन बैठा था और क्रिस्टीन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्रिस्टीन अपना हाथ ली के पास लाता है और उसको इन अप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली ली भी इस चीज को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन ली को ये सब थोड़ा वियर्ड लगा, तो अपने पैर को हटाकर क्रिस्टीन की तरफ देखते हुए पानी का ग्लास पीती है। ली के फादर ये सब देख के हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ली को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद में ली अपने फादर के साथ होटल के बाहर जाती है। होटल के बाहर ली अपने फादर से पूछती है कि क्रिस्टीन थोड़ा वियर्ड है ना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? उसके फादर कहते हैं कि वियर्ड कैसे है बताओ। उसके फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट के लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। वो ली को फिर से अपने साथ होटल में ले जाने वाले होते हैं, तो ली कहती है कि मैं होटल रूम में चली जाती हूँ, लेकिन उसके डैड उसकी मर्जी के बिना उसको वापस वहाँ पर ले जाते हैं। डिनर के बाद में यहाँ पे सब लोग ड्रिंक करते हैं और पार्टी करने लग जाते हैं। क्रिस्टीन ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वो ली के साथ डांस करने लगता है। ली पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो क्रिस्टीन के साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। डांस करते करते ली देखती है कि उसके फादर किसी औरत के साथ इंजॉय कर रहे हैं,
तो वो अपने फादर को डांस करने के लिए बुलाती है, तो उसके फादर मना कर देते हैं, जो ली को बड़ा अजीब लगता है। अब क्रिस्टीन ली को धीरे धीरे पार्टी की दूसरी तरफ ले जा रहा था। ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके फादर अभी उसको टोक क्यों नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी क्रिस्टीन के साथ डांस करने लग जाती है। डांस करते करते ली और क्रिस्टीन की नजदीकियां काफी बढ़ जाती। अब ली भी क्रिस्टीन से थोड़ा अट्रैक्टेड फील करने लगे और थोड़ा ओपन अप हो जाती है। वो देखती है कि उसके फादर सामने खड़े हैं और वो अपनी ही मस्ती में हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ली को बड़ी अजीब सी चीज लगती है, क्योंकि ली ने अपने फादर का ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा कि वो उसको इतना फ्रीडम दे। अब क्रिस्टीन ली के काफी क्लोज आ जाता है और उसको डांस करते करते ही किस करने लगता है। ली फिर से अपने डैड की तरफ देखती है, डैड भी उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये सब देख के ली के डैड वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ली के डैड जानबूझकर चाहते थे कि वो क्रिस्टीन के क्लोज हो जाए। ली को अपने डैड का ये बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया, तो क्रिस्टीन उसका ध्यान भटकाता है और कहता है कि यहाँ से बाहर चले क्या। तो ली कहती है कि हाँ चलते हैं। क्रिस्टीन ली को हाथ पकड़ के पार्टी से बाहर ले जाता है। ली दोनों तरफ से कंफ्यूज होती हुई चुपचाप क्रिस्टीन के साथ चली जा रही। उसको अपने फादर का ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। क्रिस्टीन ली को अपने कमरे में ले जाता है और ड्रिंक करने के लिए ली को वोडका देता है। ली विंडो पे खड़ी वोडका ड्रिंक कर रही होती है और उसकी सांसें तेजी से चल रही। थोड़ी देर बाद में क्रिस्टीन ली के पीछे आता है और उसको नेक पर किस करने लग जाता है। उसके बाद में ली और क्रिस्टीन यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में क्रिस्टीन वहाँ से चला जाता है और ली अकेली ही बैठी रहती है। ली को कुछ समझ में नहीं आया कि ये बिना बात किए ही कहाँ पे चला गया है। ली वापस से पार्टी हॉल में जाती है, जहाँ पे अभी भी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ली पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में ली अपने डैड को देखती है, जो क्रिस्टीन से बात कर रहे थे, और अब क्रिस्टीन और उसके डैड काफी खुश लग रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले आर्ग्यूमेंट पे उतर आए थे। अभी ये दोनों मिलके किसी चीज का जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो। ली कुछ सोचने लग जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि मेरे फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाती हैं कि कैसे मेरे और क्रिस्टीन के रोमांटिक होने के बाद में मेरे फादर को अचानक से डील मिल गई है। किसी के धक्के से क्रिस्टीन अपने विचारों से बाहर निकली और अपने फादर के पास गई और इन लोगों के सेलिब्रेशन के बीच में जाकर अपने लिए भी एक वाइन का ग्लास लिया। ली के फादर ली को कान में बताते हैं कि उनको डील मिल गई है, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका अनुमान ली ने ऑलरेडी लगा लिया था। लेकिन वो देखती है कि क्रिस्टीन उससे नजरें चुरा रहा है। क्रिस्टीन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ली के फादर सबको चीयर अप कर रहे थे, तो ली भी बीच में अपने फादर के साथ चीयर करने लग जाती है और कहती है कि ग्रेट वर्क डैड, जो उसके डैड को बड़ा अखरता है। और वो ली को कहते हैं कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, तो ली कहती है कि अभी तो मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। और वो अपने फादर को झटक के क्रिस्टीन के पास जाती है और सबके सामने क्रिस्टीन को किस करने लग जाती हैं। तो ली के डैड क्रिस्टीन से ली को अलग करते हैं और क्रिस्टीन भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। तो ली अपने फादर से हाथ छुड़ा के वहां से बाहर चली जाती है। तो ली के फादर सबको एक्सक्यूज कह के अपनी बेटी के पीछे जाते हैं। ली बाहर जाके टैक्सी के लिए हाथ हिलाती है, तो उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और अपना कोट अपनी बेटी को पहनाने लगते हैं। तो इस बात पे ली रोने लग जाती है, तो उसके डैड उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। ली को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने जानबूझकर उसको अननेसेसरी फ्रीडम दिया था और क्रिस्टीन से डील पाने के लिए उसका यूज किया, और अब यहाँ पे अपनापन जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। क्रिस्टीन ने भी उसका अननेसेसरी फायदा उठाया। इंटीमेट होने के बाद में क्रिस्टीन उससे बात भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ उसके साथ फिजिकल ही होना चाहता था, जबकि ली पूरी तरह से इमोशनली इन्वॉल्व हो गई। उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ कि फादर उसको कंसोल करके हग करते हैं, लेकिन ली अपने फादर से दूर हट जाती है, क्योंकि अब फादर और डॉटर के बीच का ट्रस्ट ब्रेक हो गया था। तो ली के फादर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, प्लीज तुम रुक जाओ।
ली को ये बात सुन के रोना आया, लेकिन वो फिर भी टैक्सी में बैठ जाती हैं क्योंकि उसके फादर ने उसका ट्रस्ट पूरी तरह से तोड़ दिया था। रोते हुए ली टैक्सी में बैठ जाती है और डेनमार्क के लिए निकल जाती है। उसके फादर पीछे अकेले ही रह जाते हैं। रिश्तों की बुनियाद हमेशा विश्वास पर टिकी रहती है। एक फादर ने फाइनेंशियल गेन के लिए अपनी डॉटर का विश्वास तोड़ा। ली के लिए तो ये दोहरी चोट थी क्योंकि उसके फादर के साथ साथ उसके पहले प्यार क्रिस्टीन ने भी उसके साथ विश्वासघात किया। और इसी के साथ ये इमोशनल मूवी एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.